सोशल मीडिया पर हिट ये कोई स्टार नहीं या फिर कोई इंटरनेट सेंसेशन है, बल्कि ये है लेडी डॉन रेखा मीणा। वैसे तो राजस्थान काफ़ी शांत रहा है, लेकिन राजस्थान में कुछ ऐसे किरदार रहे जो डॉन बन गए। फिर बात आनंद पाल की हो या फिर बात हो देवा गुर्जर की, बदलते वक्त के साथ राजस्थान में अपराध और अपराधी फैलते गए और चेहरे डॉन बन गए। वैसे तो राजस्थान में कई कुख्यात बदमाशों का खौफ रहा, लेकिन राजस्थान में एक लेडी डॉन भी है जिसकी कहानी हम आपको सुनाते हैं। वैसे तो इस लेडी डॉन के लिस्ट में नाम अनुराधा का आता है, लेकिन राजस्थान की दूसरी लेडी डॉन रेखा मीणा है जो इंटरनेट पर छाई रहती है। 19 साल की उम्र में मोस्ट वांटेड बन गई, सोशल मीडिया पर धमकी देती और अपराध करती। करौली की रहने वाली रेखा मीणा गिरफ्तार कर ली गई। जयपुर में पुलिस ने रेखा मीणा को गिरफ्तार किया, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगा कि जब पहली बार पुलिस ने रेखा मीणा को पकड़ा तो उसकी उम्र महज 19 साल थी। रेखा मीणा के नाम की दहशत कायम थी और साथ ही रेखा मीणा के हुस्न के चर्चे भी काफी रहे। कोई रेखा मीणा के चेहरे को देखकर नहीं कह सकता था कि एक लेडी डॉन हो सकती है। करौली पुलिस की सूचना पर जयपुर के रामनगरीय पुलिस ने रेखा मीणा को पकड़ लिया। डॉन रेखा मीणा सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का खास शौक रखती थी, धमकी देती थी और इलाके में रेखा मीणा के नाम की दहशत भी थी। रेखा मीणा पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था जब करौली के रहने वाले पीड़ित योगेश जादव की माने तो 29 नवंबर को स्कूल से घर लौट रहे थे। तभी जब दो लड़कियों 4 लड़कों को शराब पीते देखा तो योगेश ने उन्हें शराब पीने से रोकना चाहा, जिसके बाद एक लड़के ने फायरिंग कर दी। योगेश की पीठ पर गोली लगी थी और इस मामले में रेखा मीणा फरार चल रही थी। रेखा मीणा करौली के जिले की टोबड़ा भीम के नागरलाड गांव के रहने वाली है। रेखा की मां का निधन हो चुका है, पिता कमल मीणा मजदूरी करते हैं। 2020 के जनवरी में रेखा मीणा लेडी डॉन बन गई जब रेखा मीणा ने हिस्ट्री शीटर पप्पूलाल मीणा को जान से मारने की धमकी दी। धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उसके बाद रेखा मीणा पकड़ी गई थी और तभी से लेडी डॉन बन गई। लेकिन इसके पीछे कहानी लव ट्रैंगल की है, वो भी हम आपको बताते हैं। अनुराज मीणा और पप्पूलाल मीणा कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे, दोनों ही गैंगस्टर रहे। अनुराज मीणा ने अपनी प्रेमिका रेखा को पप्पू से मिलवाया तो पप्पू रेखा के बीच नजदीकियाँ बढ़ गई और इसी वजह से अनुराज और पप्पूलाल के बीच दुश्मनी हो गई। अनुराज से दोस्ती के चलते रेखा भी पप्पू की दुश्मन बन गई और धीरे धीरे अपराध के दलदल में फंसती चली। विरोधी गैंग के सदस्य को सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकी देती थी और आज रेखा मीणा की गिरफ्तारी हो गई।